पोटैटो पैनकेक की रेसिपी बहुत ही मज़े की है। बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, बहुत ही सादा तरीके से बहुत ही मज़े का ये पैनकेक आप तैयार कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप इसको बना सकते हैं, खाने में बेहद मज़े का बनता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल फ़न विद किचन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आलू चाहिए उबले हुए, एक सर्विंग स्पून के करीब ले लें। इसको अच्छी तरह मैश कर लें और हाफ कप इसमें मैदा जाएगा। टमाटर, धनिया और हरी मिर्च डाली मैंने, इसके साथ इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल और इसके साथ इसमें डालेंगे हम पानी और इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। नमक, मिर्च आप इसमें हसबे ज़रूरत हसबे ज़ायका डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ी देर इसके लिए छोड़ दें और फिर मक्खन ले लें, उसको पिघला लिया है मैंने। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी, मक्खन डालना शर्त नहीं है। चम्मच के साथ इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर डालें और इसको गोलाई की शेप दे लें। इस तरीके से ये बहुत ही मज़े का पैनकेक रेडी हो जाएगा। इसको गोल्डन ब्राउन करना है वैसे ही जैसे हम आमतौर पर पराठा बनाते हैं, इसी तरीके से आप इसको बना लीजिए। ये पैनकेक खाने में बहुत ही मज़े का है, बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसको बना के देख सकते हैं, मेहमानों के लिए भी बनाई जा सकती है और बे वक्त की भूख के लिए बेहतरीन खाना है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये देखिए, इस तरह साइड चेंज करने के बाद दूसरी तरफ से इसको बनाइए और इसको इतना बना लीजिए कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। आराम से इसकी साइड्स को चेंज करते जाएँ और बनाते जाएँ, छोटे और बड़े हर साइज़ में आप इसे बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।